हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने हाजिर हूं विज्ञान का मतलब साइंस का चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। ठीक है, इस रासायनिक समीकरण में, हम पढ़ेंगे कई चीजें। रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, रासायनिक समीकरण होते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे अपचयन और आक्सीकरण अभिक्रिया, मतलब पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे इसमें, और आपको फाइनली फिर नोट्स भी प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लिखते जाएंगे, आप बना सकते तो बना सकते हैं, नहीं तो ठीक है, अब आप कहेंगे तो हम आपको नोट्स भी क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, नोट्स आपको दे देंगे आपको। ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यूस चैनल में बने रहें, रेगुलर क्लास लें, जिससे हम आपके सिलेबस को कंप्लीट कर सकें और आपको हर तरीके के क्वेश्चंस, बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस को हम लगवाते रहें और करवाते रहें, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी आसानी से होती रहे। अगर आप हाजिर रहेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि हम हैं, इतने लोग कनेक्ट हैं, इतने लोग आए हुए हैं, ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहेंगे, जाहिर से बात है हम आपके मंसूबों को आगे बढ़ाते रहेंगे, आपके कैरियर को आगे बढ़ाते रहेंगे, आपको सब कुछ फ्री देते रहेंगे, सब कुछ फ्री मिलता रहेगा आपके पास में। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा जो है सब्सक्रिप्शन होने से हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छी तरीके से और मेहनत कर सके। ठीक है, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना ज्यादा हम मेहनत करते रहेंगे, हम हर दिन आपको नए नए क्वेश्चंस जो है, आपकी बोर्ड्स की तैयारी जो है, जो आपके पास पेपर में है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएं। आपको साइंस में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप डेली आप आधा घंटा क्लास लीजिए, यहाँ पास 30 मिनट्स की क्लास लीजिए, उस 30 मिनट की क्लास में आपको रेगुलर टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। आपके पास विज्ञान में 3 चैप्टर हैं, यहाँ पर 3 क्राइटेरिया है, रासायनिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, यहाँ पास नहीं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपके पास में फिजिक्स, इस तरीके के आपके पास तीनों के तीनों चैप्टर्स, तीनों तीनों क्राइटेरियो को यहाँ पास कवर किया जाएगा हर तरीके से। तो आप डेली 30 मिनट्स का वीडियो आपको दिया जाएगा और उसमें आपको सब कुछ समझाया जाएगा, डिटेल्ड वीडियो आपको, डिटेल्ड कंसेप्ट दिया जाएगा, जिससे आप आने वाले कंपिटेटिव एग्जाम में जो हैं वो आप हमेशा क्वालिफाई कर सके, आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको हम चलते हैं चैप्टर के बेसिस पे, चैप्टर है क्या चीज उसमें हम पढ़ते हैं। लेकिन फिर से आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, उतना ज्यादा शेयर करिए, उतना ज्यादा लोगों से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रो करिए, चैनल को बढ़ाइए, जिससे जितना ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे उतना ज्यादा हमको और आगे मेहनत करने के लिए उत्सुकता मिलेगी आपके पास में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, रेड बटन को उसके दबाइए और बगल में आपके पास एक जो है बेल की तरीके से एक ऑप्शन आएगा, उस बेल आइकन को भी आप दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें, वीडियो हम अपलोड करें, वैसे ही आपको क्या नाम है नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि हमने वीडियो अपलोड करी है, और आपको डेली मैसेज मिले जिससे आपको पता चलता रहे कि सर ने वीडियो अपलोड करी है और हमें आधा घंटे के क्लास लेनी ही लेनी है। ठीक है, आपको सुबह टाइम में डेली आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, अगर आप कहेंगे शाम में तो शाम के टाइम में आप वीडियो आपको डेली मिलेगी, आपको जैसा हो, जैसा भी आप समझते हैं, जैसे भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि सुबह टाइम आपका स्कूल होता है, स्कूल भी जाना जरूरी है, अगर शाम टाइम में फ्री होते हैं तो शाम टाइम में हम आपको शाम टाइम में भी वीडियो प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसा भी हो, आप कमेंट्स में जरूर बताइए, लाइक करिए और लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वो भी जुड़े, आप भी जुड़े, और लोगों का फायदा हो और आपका फायदा हो। अगर हम फ्री पढ़ा रहे हैं तो जाहिर से बात है सभी का फायदा होना चाहिए। ठीक है, ये कोई कंपटीशन नहीं है कि मेरी कोई सीट भर लिया है, जिसका है आपके पास में नॉलेज है तो नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके पास सबको नॉलेज मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं हम समीकरण। ठीक है, तो हम रासायनिक
अभिक्रिया पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या है रासायनिक अभिक्रिया? इस रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने चारों तरफ के परिवर्तन को समझना है, आसपास के परिवर्तन को समझना है। ठीक है, कैसा परिवर्तन ये समझते हैं। जैसे आप गर्मी के महीने में अगर आप दूध को रख देते हैं, गर्मी के महीने में दूध को रख देते हैं, ठीक, तो उस दूध के साथ क्या होता है? ठीक है, अगर आप लोहे को मतलब आप नया लोहा लेकर के आए हैं, उस लोहे को अगर आप रख देते हैं एयर के कांटेक्ट में, वायु के में छोड़ करके रख देते हैं, तो वो लोहा के साथ क्या होता है कुछ दिनों के बाद में? ठीक है, जैसे अगर आप गर्मी के महीने में आप आम को देखें, तो आपको टाइम के टाइम वो ग्रीन से उसका कलर बदलता रहता है, वो पक जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप अगर आप और भी देखें, फ्रिज में आप जो है देखें, तो फ्रिज में आप बर्फ रखें तो बर्फ में आपके पानी रखें तो पानी रखने से आपका बर्फ बन जाता है आपके पास में। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है, ये हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि हम कुछ ना कुछ परिवर्तित होते हुए देखते हैं। जैसे हम जब दूध को रखते हैं तो दूध जो है वो धीरे धीरे खट्टा होने लगता है। ठीक है, गर्मी के महीने में धीरे धीरे क्या होता है, खट्टा होने लगता है। फिर हम फाइनली कहते हैं कि दूध बैठ गया है, मतलब दूध जो है दही में कन्वर्ट होने लगता है, धीरे धीरे खट्टा होने लगता है उसका टेस्ट। ठीक है, फिर हम जब बात करते हैं लोहे को, जब क्या नाम है, एक फ्रेश लोहे को लेकर के आते हैं, जैसे ही हम उसमें लोहे को एयर के कांटेक्ट में रखते हैं, तो लोहे का जो है कलर बदलने लगता है, उसमें आपके पास ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ने लगती है, एक परत धीरे धीरे चढ़ने लगती है। वो परत जो है आपके पास में वो लोहे को खत्म करती है, यानी धीरे धीरे लोहा मिटने लगता है, खत्म होने लगता है। तो इस तरीके के परिवर्तन हमको देखने के अपने चारों तरफ मिलते हैं। तो बहुत ढेर सारे परिवर्तन है, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको ये सारे एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया है क्योंकि आप इन सभी एग्जाम्पलों से, उदाहरणों से आप वाकिफ हैं। सब जगह आप देखते हैं, आप अपने घर में दूध देखते हैं कि दूध जो मम्मी है वो दूध ज्यादा देर तक नहीं रखती है। अगर आपके पास दूध आया है तो वो सीधा उसको पकाती हैं, पका करके तब रखती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास में लोहे को लाते ही, अगर जंगला दरवाजा जो भी आप बनवाते हैं उसको लाते ही आप क्या करते हैं, उसको प्राइमर मारते हैं और पेंट करते हैं, जिससे वो उसका अंदर जो है वो ब्राउन कलर ना बन सके, मतलब वो इसका रस्ट कह सकते हैं, उसकी लेयर जो है वो खत्म ना हो आपके पास में। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाएगी तो धीरे धीरे आयरन खत्म हो जाएगी, तो ब्राउन की लेयर कलर की लेयर जो है वो ना चढ़े उस पर। इसका हम इससे हम क्या करते हैं, उस पर एक प्राइमर नाम का सब्सटेंस है, लिक्विड है, उसको चढ़ा देते हैं या फिर हम पेंट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बिहेवियर करते हैं। तो ये जो परिवर्तन है दिख रहा है, जो ये दूध जो है लंबे समय तक रखते हैं, तो दूध जो है वो जब दही बन जाता है तो दही से आप दूध वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, और जब लोहे को आप रख देते एक्सपोज, तो लोहे का जो कलर है वो बदलने लगता है, ब्राउन कलर होता है, तो ब्राउन कलर से सीधा आप ग्रेइश कलर में, आपके पास में चमकते हुए लोहे के कलर में आप नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो जानते हैं कि कोई जो परिवर्तन हो जाता है, उस परिवर्तन को दोबारा उसके ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल कंडीशन में नहीं ला सकते हैं, तो उस परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, पानी जैसे पानी का बर्फ बनना, बर्फ का फिर पानी बनना, यानी पानी बर्फ बन गया, बर्फ से फिर पानी बन गया, तो ये जो परिवर्तन है जिससे हम दोबारा उसी के फॉर्म में, उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो हमें भौतिक परिवर्तन समझना है कि वो ऐसे परिवर्तन जिसमें हम वस्तु या हम कहें जो पदार्थ है उसको बदलने के बाद पुनः उसके ओरिजिनल यानी पुरानी अवस्था में वापस आ जाते हैं, तो उस तरीके के परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जिस पदार्थ के साथ में आपके पास में वापस उसके ओरिजिनल यानी आपके पास में पहली वाली अवस्था के रूप में नहीं आ पाना, उसके परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे आपको दो एग्जाम्पल मैंने दिया है, लोहे का आपके पास जंग लगना, फिर दूध का दही बनना आपके पास में, ग्रेप्स का फर्मेंटेज होना। ठीक है, फर्मेंटेज का मतलब होता है ग्रेप धीरे धीरे
सड़ना, ठीक है, उससे आपके पास में एल्कोहल क्रिएट करना, वाइन्स क्रिएट करना, यीस्ट बनाना आपके पास में, इस तरीके के प्रोसेस जरा आपके पास में, उसको हम कहते हैं, उनसे हम दोबारा आप ओरिजिनल अवस्था में पदार्थ को नहीं आ सकते हैं, तो हम उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो ये सारे फिनोमिना हमने चारों तरफ होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है, रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं, रासायनिक भौतिक परिवर्तन भी होते हैं। तो हमें यहाँ पास ओनली रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करना है कि भैया ऐसे परिवर्तन जो जिसमें पदार्थ कुछ अभिक्रिया यानी कुछ घटित हो करके नए पदार्थ बनाते हैं और जो नया पदार्थ है वापस अपने ही अवस्था में नहीं आ पाता है, तो उस तरीके के परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, उस तरीके के परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब जब ऐसी बात हो गई, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन हमको समझ में आ चुका है, तो हम बात करते हैं हम आगे की रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, उस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करनी है, फिर रासायनिक अभिक्रिया पहचानते कैसे हैं, फिर ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है क्या चीज? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा, मिनिमम दो होने चाहिए, जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिल करके, जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिल करके नए पदार्थ का फॉर्मेशन करते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, और वो नए पदार्थ के जो गुण होते हैं, भौतिक गुण या कहते हैं रासायनिक गुण, वो पुराने वाले पदार्थ से जिनसे मिलकर के बना हुआ है उनसे क्या होते हैं, बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो इस तरीके के हम अभिक्रिया को, यानी इस तरीके के हम क्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम डेफिनेशन लिखना चाहे रासायनिक अभिक्रिया है क्या चीज, ठीक है, जैसे जब दो, ठीक है, या दो से ज्यादा, ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा, ठीक है, क्रियात्मक पदार्थ या तत्व तो कह सकते हैं, ठीक है, क्रियात्मक पदार्थ, ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा क्रियात्मक पदार्थ या तत्व, जो भी है पदार्थ तत्व, तो वही आपके पास में, ठीक है, क्रियात्मक पदार्थ, ठीक है, क्रिया करके, मतलब मिलेंगे आपस में, क्रिया करेंगे बीच में, कुछ ना कुछ होगा इनके साथ में, पदार्थों के बीच में कुछ ना कुछ होगा, जब दो या दो से ज्यादा क्रियात्मक पदार्थ, ठीक है, क्रिया करके, क्रिया मतलब अभिक्रिया जिसे कहते हैं, आपस के बीच में कुछ ना कुछ क्रिया करके, क्रिया करके, ठीक है, नए पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, नए, ये नए पदार्थ के जो रासायनिक गुण हैं, ठीक है, ये नए पदार्थ के जो रासायनिक गुण हैं, वो पहले वाले पदार्थ से क्या हो, बिल्कुल भिन्न है, ठीक है, रासायनिक गुण, ठीक है, आपके पास में क्रियात्मक पदार्थ से क्या हो, भिन्न है, ठीक है, जो नए पदार्थ बनते हैं आपके पास में, ठीक है, जो नए पदार्थ बनते हैं, आप बनाते हैं क्रिया करके, नए पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, ये पदार्थ के रासायनिक गुण क्रियात्मक पदार्थ, मतलब जो आपके पास में क्रिया किए हैं, क्रियात्मक पदार्थ के रासायनिक गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके की घटना जो है, इस तरीके की जो आपके पास में प्रक्रिया है, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, तो हम कहते हैं बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक है, इस तरीके की क्रिया को रासायनिक
अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आपको समझ में आया पूरा लॉजिकली या नहीं, आपके पास में अपनी ही भाषा में आपको लिखना है। किताब की रटी रटाई डिफिनेशन आप लिखेंगे, याद करेंगे, तो आप पहले समझिए, उसको समझ करके अपनी ही भाषा में जितना हो सके अपनी ही भाषा में डिफिनेशन बनाने की या डिफिनेशन देने की कोशिश करिए, जिससे आपको अच्छे अंक मिल सके। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे मैं कहूं कि भाई आयरन है, आयरन है, आयरन को मैंने छोड़ दिया, ठीक है, आयरन को छोड़ दिया ए मॉइस्चर्स में, ठीक है, और इसमें मॉइस्चर्स मतलब क्या है, नमी में या वायु में इस तरीके से छोड़ दिया। जानते हैं आपकी जब भी हम सामान लाते हैं लोहे का जंगला दरवाजा, वो कुछ दिन तक हवा में ही पड़ा रहता है, खुले में ही पड़ा रहता है। जब वो खुले में पड़ा रहता है तो उसके चारों तरफ नमी होती है, वायु होती है, ठीक है, आपके पास में, तो वो क्या करता है, आयरन जो है जब जैसे ही आपके पास में रिएक्शन करता है तो ये बनाता है Fe3O4 बनाता है, ठीक है, प्लस H2 गैस। ठीक है, अब समझिएगा, ये जो है पहले सॉलिड है, ये गैस के नमी जो होती है आपके पास में, वो आपके पास में गैस के रूप में होती है, ठीक है, ये जब बनता है ये आपके पास में, ये तो लेयर चढ़ी रहती है आपके पास में भूरे रंग की, यानी ब्राउन कलर की लेयर चढ़ी रहती है, फिर हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल जाती है। ठीक है, देखिए ये जो आपके पास इधर जो बना है, ये आपके पास क्रियात्मक पदार्थ है, ये क्रियात्मक पदार्थ है LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसको हम अभिकारक भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, अभिकारक, यानी क्रियात्मक पदार्थ, जो क्रिया करने में, ऐसे पदार्थ जो क्रिया करने में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो क्रिया करने में भाग लेते हैं, ठीक है, अभिक्रिया करने में भाग लेते हैं या क्रिया करने में भाग लेते हैं, उनको हम कहते हैं अभिकारक, अभिकारक, उनको क्या कहा जाता है, अभिकारक। ठीक है, इसका मतलब Fe और H2O जो है वो क्या है, अभिकारक। ठीक है, अब जब क्रिया करके जो नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है, क्रिया करके जो नए पदार्थ बनते हैं, ये इनको कहते हैं हम उत्पाद, क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, क्रिया के पहले क्रियाकारक जो पदार्थ होते हैं, क्रियात्मक जो पदार्थ होते हैं, क्रिया करते हैं, जो जो क्रिया करने वाले पदार्थ हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, यानी अभिक्रिया करने वाले जो पदार्थ हैं वो अभिकारक है आपके पास में। जो अभिक्रिया होने के पश्चात, यानी अभिक्रिया होने के बाद जो बनते हैं पदार्थ, उनको हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रासायनिक अभिक्रिया समझ सकते हैं। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कि जब दो या दो से ज्यादा क्रियात्मक तत्व या क्रियात्मक पदार्थ मिल करके, यानी क्रिया कर करके नए पदार्थ बनाते हैं, और वो नए पदार्थ के जो गुण होते हैं रासायनिक, वो पुराने पदार्थ से क्या होते हैं, बिल्कुल ही अलग होते हैं। ठीक है, आपके पास में क्लियर हो गई बात, ये रासायनिक समीकरण का आपके पास रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा समझ में आ गई, और ये एक एग्जांपल मैंने बता दिया कि भाई इसमें अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है, क्रियात्मक पदार्थ जो क्रिया करते हैं, क्रियात्मक पदार्थ जो क्रिया करते हैं, यानी जिनको मिलाया जाता है, मिलाया जाने वाला जो पदार्थ है, मिलाया जाने वाला पदार्थ है उसे हम अभिकारक कहते हैं, मिलाए जाने के बाद यानी क्रिया करने के बाद जो पदार्थ मिलता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, तो हम अगर अभिकारक की डिफिनेशन लिखना चाहे तो अभिकारक की भी डिफिनेशन लिख सकते हैं और उत्पाद की डिफिनेशन लिख सकते हैं। अभिकारक के आपके पास, ठीक है, क्रियात्मक पदार्थ जो क्रिया करते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में क्रियात्मक पदार्थ जो क्रिया करते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, सिंपली आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, क्रियात्मक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, जो क्रियात्मक पदार्थ हैं रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, क्रियात्मक पदार्थ पदार्थ जो क्रिया करते हैं, जो क्रिया करते हैं, ठीक है, आपके पास में जो क्रिया करते हैं आपके पास में, ठीक है, क्रियात्मक पदार्थ जो क्रिया करते हैं आप में, उनको
उनको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब उत्पाद क्या है भाई? ठीक है, आपके पास ये अभिकारक की डिफिनेशन हो गई। ठीक है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, बता सकते हैं उत्पाद क्या है। उत्पाद वो चीज है जो क्रिया होने के बाद, रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, आपके पास में क्रिया होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, ठीक है, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, क्रिया में जो क्रिया होने के बाद पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे रासायनिक अभिक्रिया का जो डिफिनेशन है और रासायनिक अभिक्रिया में जो पार्टिसिपेट करने वाले तत्व हैं उनके हम अलग अलग तरीके से नाम हमने डिसाइड कर लिया। अभिकारक क्या है और आपके पास में उत्पाद क्या है, अभिक्रिया समझना, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये आपका टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। और ये चीज है, यही आपके पास नोट्स है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप सीधा कहिए सर हमें आप नोट्स दे दीजिए कमेंट्स में, या तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर या तो आपको टेलीग्राम आईडी बता देता हूं, उसमें आप बताइए कि आप पहले कमेंट्स करिए कि आपको नोट्स नहीं बनाना है, अब चाहिए तो हम आपको टेलीग्राम में या अपने व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो लेकिन बेहिजक आप बताइए, अगर नहीं बना सकते हैं केवल पढ़ रहे हैं, पढ़ करके बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अपने से नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना सकते हैं तो आप बताइए हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई, ठीक है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया हो भी रही है ये हम कैसे पहचानेंगे? किसी भी क्रियात्मक समूह में या क्रियात्मक समूह जब मिलते हैं आपके पास में, क्रियात्मक तत्व पदार्थ मिलते हैं, तो उनके बीच में अभिक्रिया हो भी रही है या नहीं भी हो रही है, ये सारी जानकारी हम कैसे पता करेंगे कि ये अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक है, तो हम अभिक्रिया पहचानते कैसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया पहचानने के तरीके कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की जो पहचान है वो चार तरीके से होती है आपके पास में, चार तरीके से, पांच भी कह सकते हैं, मेनली चार ही आपके पास में। अवस्था में, पहला अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन का क्या मतलब है समझिएगा इस बात के लिए। अवस्था में परिवर्तन का मतलब यह है कि जब किसी पदार्थ में क्रिया होती है तो पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है, जैसे ठोस से आपके पास में लिक्विड में आ जाए, मतलब द्रव में आ जाए, ठोस से द्रव में आ जाए, गैस से आपके पास में वो किस में चला जाए, द्रव में चला जाए, या आपके पास द्रव से गैस में आ जाए, ठीक है, द्रव से ठोस में आ जाए, तो ये आपके पास में नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, अवस्थाएं पढ़ी है, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी है, तो आपके पास ठोस, द्रव है, गैस, तो अपनी जो अवस्था है, पदार्थ जो है क्रिया करके अपनी अवस्था बदलता है। अगर अपनी अवस्था बदलता है तो हम ये मान के चलते हैं
कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं कि जैसे हम पानी लिया H2O, H2O ठीक है, आपके पास पानी लिया, ये किस अवस्था में रहता है? अवस्था को हम उसके बगल में ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं आपके पास में, ठीक है, जो जिस अवस्था में होता है उसका सिंबल हम पदार्थ के बगल में ब्रैकेट के रूप में हम लिखते हैं कि बताते हैं कि ये जो पदार्थ है वो किस अवस्था में पाया गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि इस पदार्थ में हमने विद्युतीकरण कर दिया, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, पानी में हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, कर इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे कहते हैं आप, ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस दैट इज विद्युतीकरण हमने कर दिया। जैसे हमने किया तो हमने ये पाया कि आपके पास जैसे विद्युतीकरण होगा तो एक आपके पास इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एक इलेक्ट्रोड से ऑक्सीजन गैस निकलेगी। अभी जब हम आगे और पढ़ेंगे भी आपके पास में अपघटन अभिक्रिया, तब उसमें डिटेल हम चर्चा करेंगे कि होता क्या है, किस इलेक्ट्रोड से कौन सी गैस निकलती है, लेकिन अभी ये समझाना है कि अवस्था परिवर्तन क्या आपके पास में, ठीक है, अवस्था परिवर्तन में क्या होता है। तो H2O को जब विद्युतीकरण करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। देखिए, अब हमने तो पानी यानी द्रव को विद्युतीकरण किया, द्रव में हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी, विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद हमें दो चीज मिले, एक तो हाइड्रोजन मिली और एक तो ऑक्सीजन मिली, दोनों ही की अवस्था पे ध्यान दिया गया है, दोनों की जो अवस्था है दोनों की अवस्था गैस की है, मतलब इसमें जो आपके पास द्रव अवस्था की द्रव अवस्था थी क्रियात्मक तत्व की यानी क्रियात्मक पदार्थ की जो द्रव अवस्था थी वो जो द्रव अवस्था थी वो किसमें बदल गई, गैस अवस्था में बदल गई। तो इस तरीके से हम पता चल सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि भाई अवस्था में अगर परिवर्तन हुआ है, किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो वो कैसी आपके पास में रासायनिक अभिक्रिया उसके साथ हुई है, ठीक है। दूसरी बात यह है आपके पास में रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन या रंग परिवर्तन, अगर आपके पास रंग में परिवर्तन हो रहा है तो भी आप कैसे पहचाने, जैसे मैंने अभी आयरन का नाम लिया, ठीक है, आयरन मतलब आपके पास लोहे को आप एक्सपोज कर देते हैं, लोहा ऐसी उसका कलर आपके पास भूरा हो जाता है, ठीक है, जैसे ही आप लोहे को वायु में छोड़ देंगे तो वो लोहा क्या होता है आपके पास में, लोहे का कलर धीरे धीरे क्या होता है, भूरा हो जाता है। अब जब लोहे का कलर भूरा हो जाता है, ऊपर वाली जो कलर होती है वो भूरी हो जाती है, तो हम इससे पता करते हैं कि भाई उस पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। तो रंग में परिवर्तन, पदार्थ के रंग में जब परिवर्तन होता है तो हम ये मालूम कर लेते हैं कि उसके साथ, उस पदार्थ के साथ कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये आपके पास रंग परिवर्तन का जीता जागता उदाहरण आपके पास, आसपास जो लोहे में जंग लगता है, लोहे का कलर आपके पास में जो आपके पास ग्रे कलर का होता है आपके पास में, उस ग्रे कलर से सीधा आपके पास ब्राउन कलर में आ जाता है, ठीक है, ब्राउन भूरे रंग में आ जाता है। तो ग्रे रंग से भूरे रंग में आ जाना रंग में परिवर्तन होना है, पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो गया, जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। तीसरी बात हमारे पास क्या है कि रंग में परिवर्तन तो बता दिया आपके पास सीधा, ये तो आप तो देखे हुए हैं, गैस का निकलना, ठीक है। अब गैस का निकलना क्या आपके पास, समझते हैं इस बात के लिए, ठीक है, गैस का निकलना क्या आपके पास में, गैस का निकलना ये है आपके पास में, जैसे आप लोग आपने HCl गैस आपके पास Zn जिंक लिया, सॉलिड जिंक के छोटे छोटे पीस लिया, उस जिंक के छोटे छोटे पीस को आपने क्या किया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल, ज्यादा स्ट्रांग नहीं, स्ट्रांग भी होगा चलेगा लेकिन वीक होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रांग होगा तो आपको खतरा भी महसूस हो सकता है कि हाथ वगैरह में मिल जाए तो दिक्कत हो सकती है स्किन को। तो जिंक Zn, जिंक को जैसे हम H2SO4 में डालते हैं तो होता क्या है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका नाम, ठीक है, आपके पास में जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक के छोटे छोटे पीस डालते हैं, या जिंक इस समय तो जिंक पाउडर आता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े नहीं आते हैं, जिंक पाउडर के रूप में मिलता है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, बहुत रेयर केस है जिंक ग्रैनुल्स टुकड़े मिलते हैं। जिंक को जैसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें
जिंक सल्फेट प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट प्राप्त होता है, और साथ में हमें H2 गैस मिलती है। जिंक सल्फेट लिक्विड के फॉर्म में होगा, मैं इसको कहता हूं एक्वस। जो भी पदार्थ अगर विलय है पानी में, पानी के साथ घुला हुआ है, पानी जैसा दिखता है कोई पदार्थ, तो हम उसको हम एक्वस कहते हैं, ठीक है, पानी में मिलकर के जो बना हुआ पदार्थ, ठीक है। जेदेन SO4 एक्वस H2 गैस, ये जो गैस है वो निकलती है, ठीक है। इस गैस को पता करने का भी तरीका है, कैसे पता करते हैं, जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलती है उसके पास आप जलती हुई माचिस की तीली लेके जाइए, या जलती हुई कैंडल लेके जाइए, तो उसके जलते हुए फ्लेम पे पॉप की साउंड आएगी, यानी ध्वनि आएगी आपके पास में, पुट पुट करके, यानी पॉप की साउंड आपके पास, जैसे पटाखे नहीं फटते हैं पॉप कर 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 करके, उस तरीके की साउंड आएगी, ठीक है। आपके पास ये बुझेगी नहीं, साउंड जरूर आएगी आपके पास, पर जैसे आपके पास कभी कभी जो लालटेन है, दिया है, जैसे जलती है तो फक फक करके जलती है, उसी तरीके से ये भी आपके पास में, जैसे जैसे जहां ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, वैसे आप उसके पास कोई कैंडल लेके जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे, तो जलती हुई मोमबत्ती की जो लौ है, लौ के पास आपके पास में, लौ को इसके मुहाने के पास रखिए, और आपको फट फट की आवाज ध्वनि की सुनाई देगी, जो बताती है कि यहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, मतलब गैस निकल रही है, तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है आपके पास में, ठीक है। और भी हमारे पास है, एक और है, उसका नाम है आपके पास में ताप में परिवर्तन, चौथा नंबर, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ठीक है। ताप में परिवर्तन का क्या मतलब है कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है, तो पहले उसका ताप नॉर्मल होता है, मतलब उसको छूते तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि वो गर्म है, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर का नाम तो आप तो सुना होगा, ठीक है, चूना पत्थर का नाम सुना होगा, इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना मतलब आपके पास में ये अभी अभिक्रिया नहीं किया हुआ है, इसमें आपके पास में ऊर्जा है, बिना बुझा हुआ चूना मतलब इसके अंदर ऊर्जा है आपके पास। जैसे ही ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में होता है, आपके पास पहले लोग इसको लाते थे, भिगोते थे, 2 दिन 3 दिन तक रखते थे पहले के टाइम में, और फिर उसके बाद इससे घर की पोताई वगैरह करते थे, व्हाइट वॉशिंग से कह सकते हैं, घर की पोताई करने के बाद फिर ये आपके पास जब मिलता था घर की दिवाले, तो चमकती हुई व्हाइट कलर की चमकती हुई दिवाले मिलती है, ठीक है। जो अभी पान के साथ में लोग चूना खाते हैं वो भी आपके पास में इसी से बनता है, आपके पास में इसी को भिगो दिया जाता है, कुछ दिन बाद फिर पैकेट में इसको भर करके आपके पास में मार्केट में सेल किया जाता है, ठीक है। आपके पास में तो कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे पानी के साथ मिलाते हैं, अभी देखिए ये जो है इसमें कोई भी छूने में कोई गर्म वगैरह नहीं लग रहा है, छूने में कोई गर्म वगैरह नहीं लगेगा, आप छुएंगे तो इसको गर्म वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको पानी में डाल दूंगा, पानी में मतलब लिक्विड में डालूंगा, द्रव में डालने के बाद में क्या मिलेगा, डालने के बाद मुझे मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में जैसे मैंने इसको मिक्स किया, तो थोड़ी देर बाद वो जो मिक्सचर बोटा बोटा आपके पास कंटेनर है जिसमें हमने इसको मिक्स किया है, उसको आप छुएंगे तो आप पहले एहसास करेंगे कि पहले जब मैंने इसको मिलाया था तो इसका ताप इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था, इतना ज्यादा गर्म नहीं था, लेकिन जब मिला दिया, मिलाने के बाद देखा तो ये कंटेनर जिसमें हमने इसको मिला है, जो डिब्बा जिसमें हमने इसको मिलाया है, वो डिब्बा इतना ज्यादा गर्म हो गया है कि हम उसको छू नहीं पा रहे हैं, इतना ज्यादा हथेली में गर्म महसूस हो रहा है कि अपनी हथेली बाहर हटा ले रहे हैं, ठीक है। सीए आपके पास में, जिसके साथ हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, मतलब ऊष्मा कह सकते हैं, ऊर्जा ऊर्जा मिलेगी आपके पास में बहुत ज्यादा। वो कंटेनर जो डिब्बा जिसमें बर्तन जिस बर्तन में इसको डालेंगे, वो बर्तन बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। जिससे हमें पता चलता है कि पहले तो इसका जो जब बिना मिलाए हुए देखा तो कोई भी आपके पास में गर्म महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे मिला दिए तो आपको उसके साथ देखने को मिल रहा है कि पूरा का पूरा कंटेनर क्या हुआ, गर्म हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा कंटेनर क्या हो गया, गर्म हो गया। जैसे गर्म हो गया तो हमें पता चल गया कि इसके साथ अभिक्रिया हुई होगी, क्योंकि हमने तो डाला था बिना आपके पास में ताप बढ़ाए हुए, बिना ऐसे तत्व का डाला था जो गर्म ही नहीं था, जब उसमें पानी मिला दिया देखा तो हमें प्राप्त हुआ कि वो जो तत्व मिला, जो पदार्थ मिला बाद में, वो इतना ज्यादा गर्म है कि साथ में कंटेनर को भी गर्म कर दिया,
जिस डिब्बे में लिखे रखे हुए थे, जिस बर्तन में इसको डाला गया था, वो बर्तन पूरा तरीके से गर्म होगा, जैसे आग में बैठा आग में चढ़ा करके उसको गर्म किया गया हो, इस तरीके से गर्म आपको मिलेगा आपके पास में। तो इस तरीके की जो अगर सिचुएशन हमको मिलती है, जैसे अवस्था में परिवर्तन मिलता है, सो आपके पास में कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदल देता है धीरे धीरे। अब सर ये कहोगे कि सर पानी जो है वो भी बर्फ बन जाता है, अवस्था में परिवर्तन हुआ, द्रव से आपके पास में बर्फ वो सॉलिड में चला गया, ठोस में चला गया। तो बेटा उसमें एक चीज और है, वो तो जा तो रहा, अवस्था में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। समझिएगा, पानी बर्फ में तो बदलता है आपके पास में, बर्फ पानी में आता है, लेकिन वो रासायनिक परिवर्तन नहीं, वो है भौतिक परिवर्तन। और हम क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन, दैट इज रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो बर्फ का कंडीशन अलग है, वो हम उसे कह सकते हैं अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया में भी आपके पास अवस्था में परिवर्तन होता है। तो अगर अवस्था में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हम पहचान गए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन हुआ, अभी मैंने लोहे का एग्जाम्पल दिया, रंग में परिवर्तन हुआ इसलिए मैंने इसकी अभिक्रिया नहीं लिखी। ठीक है, रंग में परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर गैस का निकलना हुआ, गैस निकल रही है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और अगर क्रियात्मक समूह मिल करके आपके पास में क्रियात्मक तत्व मिल करके अगर क्रिया किए है, और उस कंटेनर में या उस तत्व के साथ पदार्थ में जो बना हुआ उसका ताप बढ़ गया या घट गया, बढ़ भी सकता हो घट भी सकता है, ताप बढ़ गया या घट गया, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इन सभी तरीके से हम, ठीक है, हम जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कुछ और भी कारक होते हैं आपके पास, बहुत ढेर सारे कारण होते हैं जिससे हम पहचानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, हो रही है। ठीक है, लेकिन मेनली हम चार पढ़ते हैं, ये चार से हम पहचान सकते हैं कि इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे इसके आगे कि रासायनिक अभिक्रिया लिखते कैसे हैं। ठीक है, फिर रासायनिक अभिक्रिया को हम लिख करके उस रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण में कैसे लिखते हैं, और रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करिए। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए, और कमेंट्स करके बताइए कि आपको नोट्स की जरूरत है या नहीं। अगर है तो मैं आपको टेलीग्राम में मैसेज दूंगा, आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करिएगा, मैं बता दूंगा कौन सा मेरा नाम है टेलीग्राम में, उस हिसाब से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको डेली डेली वीडियो 10th की मिलती रहे। साइंस और मैथ की तो कंपलसरी वीडियो मिलेगी। ठीक है, आपके पास में साइंस और मैथ में आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पूरा अप टू डेट पूरा पैकेज फ्री में। नोट्स आपको कहीं से लेनी है यहां भी मिलेगी, ना आपको क्वेश्चन बैंक लेना है, ना ही आपको सैंपल पेपर लेना है, सारा कुछ यहां दिया जाएगा आपके पास में, सब चीज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पॉज द वीडियो, शेयर द वीडियो। ठीक है, शेयर द वीडियो, शेयर करिए वीडियो, जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो अपलोड करी हुई वीडियो का पता आपको नहीं चल पाएगा, तो इसलिए बेल आइकन सब्सक्राइब करेंगे जैसे, वैसे ही बगल में आपको बेल आइकन का भी सिंबल मिलेगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो नोट करिए, कल मिलते हैं इसी के आगे। ठीक है, धन्यवाद।